गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टाइम फॉर क्लास सेकेंड. अवर एनवायरमेंट मीन्स ईवीएस. ओके, स्टूडेंट हमारा ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया था. अब हम आते हैं पेज नंबर 8 पे. ठीक है, फर्स्ट डेट मेंशन करिए यहाँ पर अपनी. टुडेज 12 मई 2020. ओके, अब एक्सरसाइज 1 है, पुट द टेक ऑन द करेक्ट ऑप्शन. आपको करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है. यू लुक लाइक अ नाउ. इफ बॉय जो है वो बॉय पे टिक करेंगे, गर्ल्स जो है वो गर्ल्स पे टिक करेंगे, बिकॉज यू आर नॉट अ बेबी. आप बेबी तो नहीं हो इतने छोटे, आपको सोच रहे हो आप इतने छोटे हो नहीं ना. सो बॉयज बॉयज में के कॉलम में फिल टिक करेंगे और गर्ल गर्ल के कॉलम में टिक करेंगे. इज दैट क्लियर. आई ग्रो, इट्स ग्रो विथ टाइम. ये क्या है, कैट. कैट ग्रो विथ टाइम, कार ग्रो विथ टाइम, एंड ब्लैक बोर्ड. ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, देखिए चॉक्स रखिए. ब्लैक बोर्ड ग्रो विथ टाइम. कभी आपने देखा है आपकी क्लास का ब्लैक बोर्ड कभी बड़ा या कभी छोटा हो जाता है अपने आप, या आपकी कार कभी बड़ी और छोटी हो जाती है? नहीं ना. ओनली कैट, ओनली किटन. किटन कैन ग्रो, ठीक है, किटन जो होता है वो बढ़ सकता है विथ टाइम, टाइम के साथ. ठीक है, सो किटन पे टिक करेंगे. अ पपी टर्न इनटू अ कैट. पपी कैट में टर्न कन्वर्ट होता है, टर्न होता है. हैन में होता है या डॉग में? डेफिनेटली पपी है तो डॉग इज अ करेक्ट डॉग. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्लीट दी सेंटेंसेस. ये पोर्शन अगर आपको क्लास सब्जेक्ट टीचर ही आपकी कराएगी, बिकॉज ऑफ दैट उनको आपकी वेट लेना पड़ेगा, आपका हाइट चेक करनी पड़ेगी इंची टेप से, उसके बाद आपकी आईज और हेयर कलर, ये जितना भी पोर्शन है. एंड इन द साइड, अब नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 9 में. इसमें भी जैसे क्वेश्चन दे रखा है, हु इज टॉलर, रिया एंड सिया, तो डेफिनेटली रिया इज टॉलर. ठीक है, सो रिया लिख दिया. राइट नेम ऑफ टू क्लासमेट्स, तो ये आपकी सब्जेक्ट टीचर ही करवाएगी आपको. ठीक है, क्योंकि जब स्कूल आपके ओपन होंगे तब आपको क्लासमेट पता चलेंगे, तब आपको पता चलेगा उनमें से किसकी हाइट बड़ी है, किसकी हाइट छोटी है. ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जितना भी है या जब आपका क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आपका होगा. ओके, नाउ पेज नंबर 10 लेसन 2, नो योर बॉडी पार्ट्स. आपको अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. कुछ देखिए ऐसे एरोज बने, यू कैन सी सम एरोज, एंड दीज एरोज आर इंडिकेट अ बॉडी पार्ट्स. ठीक है, तो फर्स्ट इज द ई वाई ई आई. आई मीन सी, हम देखते हैं ना. ठीक है, ट्यून अप. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स, आइडेंटिफाई करने हैं बॉडी पार्ट्स को ये. टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ ईच ऑफ देम, और आपको इनसे रिलेटेड फंक्शंस बताने हैं. ठीक है, कुछ बॉडी पार्ट्स के तो फंक्शन हैं, कुछ बॉडी पार्ट्स के फंक्शन क्लियर नहीं हैं, तो मैंने एक एज यूजुअली आपको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया है. ठीक है, जैसे आई के बारे में आप बता दोगे सी, हेयर के बारे में क्या बताओगे? हेयर किस क्या फंक्शन में आते हैं? नहीं, हम तो उनको अच्छे से कोम करते हैं, डेकोरेट करते हैं, या बोलो स्टाइल करने में आते हैं. बॉयज़ देखो स्पाइक्स बना के आते हैं ना, तो इसी तरह से कुछ इसमें है जो हमने कुछ चेंज किया. ठीक है, फर्स्ट आई मीन्स सी, देखना. आई टू सी, नोज टू स्मेल, SMELL, स्मेल मतलब महक लेना. सो नोज टू स्मेल. हैंड टू राइट, हाथ लिखने का काम आता है ना, राइट, क्लैप. ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यूज में आता है. ठीक है, सो हैंड टू राइट. नी टू फोल्ड, नी है, जब तक हम फोल्ड नहीं करेंगे तब तक हम सिट नहीं, बैठ नहीं सकेंगे किसी भी चेयर पे ना, सिटिंग पोजीशन में नहीं आ पाएंगे. सो नी टू सिट नहीं होगा, सिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमें सिट में हिप की जो हमारा जो बैक होता है ना उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो नी टू फोल्ड. लेग टू जंप, जंप रन डांस. ठीक है, सो लेग टू जंप, JUMP जंप, FOLD फोल्ड. ठीक है, नेक्स्ट
हेयर टू STYLE स्टाइल, ये आप स्टाइल के लिए हेयर में यूज़ कर सकते हैं और उसका कोई यूज़ नहीं होता। अगर आपके सब बाल नहीं भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट ईयर, ईयर टू हीयर, हीयर मीन्स सुनना, हम कान से सुनते हैं ना, सो ईयर टू हीयर। माउथ टू स्पीक, हम मुंह से बोलते हैं ना, सो माउथ टू स्पीक। एंड दिस इज द शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर टू कैरी, हम अपने बैग हो गया, वाटर बॉटल हो गया, या मार्केट जाते हैं तो पर्स, लेडीज़ जो होती है वो पर्स टांगती हैं, जेंट्स जो होते हैं बैग टांगते हैं, तो वो किसके काम आता है, कैरी के काम आता है ना, हाँ। तो शोल्डर जो होता है वो किस में क्या आता है, कैरी में आता है, हाँ, जैसे बैग कैरी हो गया, ठीक है, तो CARRY कैरी, ठीक है, शोल्डर टू कैरी। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट, इसको एज इट इज़ लिखना है, और जब भी आप लिखोगे यहाँ पे डेट मेंशन करोगे 12/05 मींस May 2020, ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए, इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट आपकी क्लास में ये है, ठीक है, हमने आपको कल हमने आपको होमवर्क दिया था, जो क्या था, आईज, ईयर, नोज और लिप्स के क्या करने थे, पिक्चर्स टक बनाने थी, ओके। तो नाउ नेक्स्ट मेंशन द डेट 12/05/12th of May 2020, ओके, एंड दिस इज योर होमवर्क। राइट 6 बॉडी पार्ट्स, आपको 6 बॉडी पार्ट्स नेम, बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं विथ देयर फंक्शंस, और उनकी क्या क्या फंक्शन है। फॉर एन एग्जाम्पल एक हम आपको लिख के दे देते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट है हमारा EYE, आई का फंक्शन क्या होता है, SEE, ठीक है, 1 हमने मेंशन कर दिया। आफ्टर दैट 2, 3, 4, 5, 6, सेम एज इट इज आपको इस तरह से करना, ओके। ओके, सो ये आपको करना है, और ये कहाँ से करेंगे, इनमें से आपको 6 पॉइंट निकालने हैं। आप चाहो आईज ले लीजिएगा, 1 नोज ले लीजिएगा, हैंड ले लीजिएगा, लेग ले लीजिएगा, ठीक है, ईयर ले लीजिएगा, माउथ ले लीजिएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, एंड राइट डाउन इन योर EBS कॉपी, ओके, सो हैव अ गुड डे।